हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। देख जरा मैया क्या हाल हमारा माँ माँ तुम आ गई माँ मैं तो एक काम अम्मा तक आई थे तारे साले भाई लंडा तो एक काम अम्मा तक आई देख बड़े बड़े मुआछा रखे हैं देख कौन तना हंसा सा तू मेरी माँ नहीं है मैं तेरी माँ नहीं हूँ ये तू मेरी माँ नहीं ये है तेरी माँ हाँ ये तेरी माँ है भैया हमका लागत यार भैया ये बैलंडा है का तो भैया तो बैलंडा हंसका तो बैलंडा हंसका हम बैलंडा हम बैलंडा हाँ बच्चा तुम बैलंडा हाँ बच्चा तुम बैलंडा यार या तो साला लौट फेर के महीन के बैलंडा बनाए अबे तो बैलंडा अबे तो बैलंडा तोर खानदान बैलंडा तोर खानदान बैलंडा तोर लड़का बच्चा सब बैलंडा तोर लड़का बच्चा सब साले तेरे भैया फैजाबादी मुरे पीछे देख कुछ चुहत तो नहीं है अरे भैया इलाहाबादी हाँ चुहत कुछ नहीं पता नहीं का निकाल चटर से सर पिछाले कमाल का लागत ये साला बैलंडा नहीं ना ये मेरिया खातिन बैलान बस सही कह रहा हूँ नहीं तो
लो हम लगोड़ बांध ले। नहीं भैया हमका संकय है, अब इन तो धर दिस रहा हमारी छर्रा कटोरी बाहर हो गई नहीं, तो हमारा डंडा लाओ। इसे पगलंडी से दूर ही रहो। एक बात तुमका बता दे, हम इतना जानित है कि जो नैलंडा बैलंडा रहा थे भैया गा बजा ज्यादा ले आते। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, एकदम सही ना। और का अब देखो हम ऐसे पूछित है, ऐसे प्रेम से पूछो। हाँ पूछो पूछो पूछो। ओ भैया बैलनौ। का भैया बैलनौ? जैसे सार छिनार मेहरिया हंसत, दांत ना निकालो नहीं इतना डंडा तुम्हें अंदर करब ना तो बच्चा तुम्हारा भाई लपन दूर हो जाए। ये बताओ भैया। हाँ भैया। कौनो गाना वाना गाय ले आते? गाय? हाँ। गाना भैंसी ले का भैया? गाय नहीं भैंसी ले आते, पड़वा नहीं लेते हो यार भैया? हमारा काज मतलब कि गाना वाना गाय के नाच ले आते हो। गाना? हाँ। गाय ले आते? तो एक बात सुन लियो, कुछ कुछ समझा है, कुछ कुछ तो समझी, अबे पूरा समझ। अगर तुम हमका कोनो बढ़िया गाना सुनाए और हम मस्त हो गए नाचे लागे मार झूमे लागे तो तुमका हे यही का खाओ उपाय एक जाना था जलबे एकदम पक्का। लेकिन हम मस्त हो के नाचे लागे। चलो सुनाओ बच्चा बढ़िया गाना। कोई बढ़िया मजेदार गाना सुनाइए पगलाऊ भैया। हाँ ये ये संघाई के गईले सैया हो काले हमसे दूरन रहे। संघाई के गईले सैया सैया लौटे आधी रतिया के पिया जगावन लागे ये राजा या जगावन लागे ना के हमारी पीटी पीटी के मरिया की पिया जगावन लागे ना साले भाई अंडा साला अंड बंड गाना सुना रहा भी मजा नहीं आया। कोई बढ़िया गाना सुना? नहीं साले धरब डंडा ना तो तोर भाई लपन उतर जाए। कोई बढ़िया गाना सुना? मस्त हो जाए बढ़िया नाचने लगे सब। बढ़िया गाना कलिया वाला अरे कौनो छल मजा लेगे राम कटोरी अरे कौनो छयले मजा लेके ज
जो बनवा के लाली। कौनो छयाले मजा लईगा जो बनवा के लाली उतरी। पागल सागल तेरी माता बात है ना साले तेरा पागलपन। अब तुझे पता चलेगा कि शेर सिंह किस बला का नाम है। और कहीं तो साले मुखम मेरे चले बैंजा बैठ इधर। और चंपा। हाँ ठाकुर साहब। और कोई दिक्कत तो नहीं? कोई कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अरे हम ठाकुर हैं ठाकुर। हाँ और हम ठाकुर वादे के पक्के होते हैं। बिल्कुल क्यों नहीं। आप बड़ा ठाकुर कुछ बात करना चाहते हो? चंपा। हाँ किसी प्रकार का दुख तो नहीं हुआ? आपके रहते हुए मुझे किस प्रकार की दुख हो सकती है? शाबाश चंपा। अब तुम्हें एक काम और करना है चंपा। कौन सा काम है? वो काम तुम्हें शेरा सिंह बताएंगे। हाँ बतलाइए। शेरा सिंह जरूर बतलाइए। वो कौन सा काम है? देखो चंपा। हाँ काम तुम्हारा कीमत हमारा। हाँ क्यों नहीं। अगर तुम इसी तरह काम करती रहोगी तो इस कोठे का नाचना भूल जाओगी। हम तुम्हें मालो माल कर देंगे। अच्छा और हाँ चंपा। हाँ एक बात और तुमने सुना होगा। वो कौन सी बात है? ठाकुरों की दोस्ती तो अच्छी होती है। हाँ लेकिन ठाकुरों की दुश्मनी बहुत महंगी पड़ती है। अरे क्या कर रहे हो साले पागल साला चिनरा पागल है काबे चंपा। हाँ देखो तुम्हें काम ये करना होगा। हाँ कि मेरे साथ तुम्हें राज दरबार चलना होगा। राज दरबार? जी। लेकिन क्या करने? घबरा नहीं चंपा हम बता रहे हैं ना तुमको। बताइए। तुम्हें महाराज से सिर्फ इतना कहना होगा कि महाराज ये आपके पागल राजकुमार ने मेरी इज्जत से खेला है। लेकिन इसने मेरी इज्जत से तो खेला नहीं। अब खेलवा दे जाबे खेल ले। जाबे खेल। ओ चंपा मैं कब का कह रहा हूँ कि इसने तेरी इज्जत से खेला है? नहीं खेला। तुझे सिर्फ रात दरबार में झूठ बोलना है। झूठ? और झूठ की कीमत? हाँ हम तुम्हें 1,00,000 रुपए देंगे। एक लाख रुपए और मुझे दोगे? तब क्या नहीं चंपा। अरे घबरा नहीं हम तुम्हें मालो माल कर देंगे। अगर 1,00,000 रुपए मुझे और दोगे तो समझो ये भी काम आपका हो गया। हाँ चंपा और काम बहुत होशियारी से करना। किसी के कानो कान खबर न होनी चाहिए। कल सुबह 10 बजे अच्छी बात रात दरबार लगेगा। और हाँ इस तरह मत चले जाना हंसते हुए। हाँ हाँ नाटक बना के रोते पीसते हुए कि महाराज समझे वास्तव में इसकी इज्जत लूटी गई है। मैं खूब अच्छी तरीके से जानती हूँ नाटक कैसे किया जाता है और क्रियाचरित कैसे होता है। मैं खूब जानती हूँ। मैं चलता हूँ। ठीक काम समझ लिया ना चंपा? हाँ हाँ समझ लिया। काम बड़ी होशियारी से करना किसी को कानों कान खबर न चले। अगर हमारे हुक्म का पालन करती रहोगी तो आबाद हो जाओगी। चलो शेरा सिंह। और चंपा अगर तुमने इतना सा काम नहीं किया तो हमारा सारा सारा काम बना बनाया मिट्टी में मिल जाएगा। ठाकुर साहब आप विश्वास कीजिए ये काम मैं बहुत जल्द कर दूंगी। अरे मुझे पूर्ण विश्वास है चंपा कि तू मेरे इशारों से काम करेगी। बिल्कुल क्यों नहीं मैं करूंगी।
आप जा सकते हैं। चलते हैं। ठीक। नमस्कार चंपा। नमस्कार। चलें, चलिए आप लोग। चल रहे चंपा भाई, एक्शन से आना बढ़िया बिलोज बिलोज फार के, हम ले जा रहे हैं बैलंडा को। चल रहे। ओहो, ठाकुर साहब ने कहा कि चंपा आपको रोते पीटते हुए महाराज के पास जाना है और महाराज जी से कहना है कि आपके पागल राजकुमार बेटे ने मेरी इज्जत को लूटा है। ठीक है, पैसे के लिए मैं ये भी कर सकती हूँ और ये काम करके ही दिखाऊंगी। मैं चलती हूँ। अरशियाली गई जिया तेरी पहली नजर, शैयाले गई जिया आबादी। जी हाँ महाराज। ये बताओ, जहाँ तक हमारा राज्य है, हमारी जनता को, हमारी प्रजा को, हमारी राय को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? कोई तकलीफ नहीं है मालिक। आपकी प्रजा जय जयकार कर रही है, आपकी प्रजा दूध भात खा रही है, अमनो अमन और चमनो चमन है मालिक। ऐसा ही होना चाहिए। जी हाँ महाराज। आज राज दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। क्यों नहीं? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज हम लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो। बोलो क्या कहना चाहते हो? महाराज उस दिन आप हम दोनों पर बहुत नाराज और खफा हो रहे थे, लेकिन आज हम दोनों ने आपके राज में दो अपराधी पकड़े हैं महाराज। क्या कहा? एक नहीं, दो अपराधी। जी महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो उन्हें राज दरबार में पेश किया जाए। तत्काल पेश किया जाए। इलाहाबादी के हुजूर, पहला अपराधी राज दरबार में पेश किया जाए। अभी पेश करते हैं। जाओ हुक्म का पालन करो। मंत्री उदय प्रताप सिंह, तुम ये जानते हो कि राजकुमार अपनी माँ की याद में पागल हो गया है? इस पागल ने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जो इसके हाथों में हथकड़ी लगाकर राज दरबार लाए हो? महाराज क्या किया? आपका बेटा है महाराज, इसने इतना बड़ा अपराध किया है जिसका सबूत हमारे लोगों के पास है। अगर आपकी इजाजत हो तो उसे भी तत्काल राज दरबार में पेश किया जाए। इलाहाबादी, दूसरा अपराधी भी राज दरबार में तत्काल पेश किया जाए। भी पेश करते हैं। हरी मोरी मैया, हरी मोरी मैया, बोलो बेटी, राज दरबार में रोते हुए क्यों आई हो? कौन सी समस्या है? कौन सी तुम्हारे पर परेशानी है? महाराज, मैं सुनी थी कि आपके राज में सच्चा न्याय होता है, इसलिए मैं रोते पीटते हुए आई हूँ। मेरा
फैसला कीजिए महाराज। आपके प्रजा में कोई लड़का किसी लड़की की इज्जत को लूट लेता है तो उसके लिए सजा क्या देते हैं राजन? और आपकी प्रजा में चोर चोरी करता है तो उसके लिए सजा क्या होता है? महाराज मैं इसलिए आपके पास आई हूँ, मुझे न्याय चाहिए। बेटी तुमने सही सुना है, हमारे बुजुर्ग इस तख्त और ताज पर बैठकर सच्चा न्याय करते हुए आए हैं। अगर कोई हमारे राज में चोरी करता हुआ इंसान पकड़ा जाता है तो उसके दोनों हाथ कलम कर दिए जाते हैं। अगर कोई किसी का खून करता है तो उसे हम फांसी का हुक्म सुनाते हैं। अगर कोई किसी लड़की की इज्जत लूट लेता है, बलात्कार करता है तो उसको चौराहे पर खड़ा करके गोली सुलवा देते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो सुनिए महाराज। बोलो बेटी। तो मेरा इंसाफ करिए महाराज जी, मेरा इंसाफ करिए। मेरा इंसाफ करिए महाराज जी, मेरी इज्जत को लूटा है पागल कुंवर। मुंह दिखाने के काबिल और नहीं मैं रही, मेरी इज्जत को लूटा है पागल कुंवर। बेटी हमारे पागल राजकुमार ने अगर तुम्हारी इज्जत लूटा है तो मैं तुमसे दो वचन कहना चाहता हूँ, इनको सुनकर समझकर मुझे सही उत्तर देना बेटी। ठीक है राजन, कहिए आप क्या कहना चाहते। जोर करो तुम माफी मैं मांगता हाँ। मेरे पागल कुमार को क्षमा कीजिए, हो गई घर से गलती कुंवर से मेरे। हो गई घर से गलती कुंवर से मेरे, अब क्षमा कीजिएगा क्षमा कीजिए। हो गई घर से गलती। कहते हैं दुनिया की अमूल दौलत एक इज्जत होती है। धन चला जाता है वापस आ जाता है, औलाद खो जाता है वापस आ जाता है, किसी की इज्जत चली जाती तो कभी वापस नहीं आती। महाराज एक अमला की इज्जत लूट ली जाए, हाथ जोड़कर माफी मांग लिया जाए, इंसाफ हो गया। शरा सिंह मैंने तुमसे पहले कहा था, मेरे दो वचन है, अभी दूसरा वचन बाकी है, बीच में क्यों बोल रहे हो? इंसाफ करिए महाराज, गुस्ताखी माफ हो, इंसाफ मिलेगा। बेटी मेरा दूसरा सवाल है, इसे सुनकर समझकर हमें सही उत्तर देना बेटी। हाँ महाराज, कहिए आपके कौन से दो सवाल हैं बताइए। बात मानो मगर चे बेटी मेरी, इज्जत वापस तुम्हारी नहीं आएगी, इसलिए तुम कुंवर संग शादी करो। कुंवर संग शादी करो, इसलिए तुम कुंवर संग शादी करो। लाज महलों की रानी बन जाओगी जी, इसलिए तुम कुंवर संग शादी करो। बेटी एक तरफ हमारी औलाद है और एक तरफ एक तख्त और ताज राज है, अगर तुम चाहोगी
तो मैं इसे फांसी का हुक्म जरूर सुनाऊंगा। अगर तुम चाहोगी कि नहीं महाराज मैं शादी करनी चाहती हूँ तो तुम्हारी शादी राजकुमार से करके इस राजमहल की महारानी कही जाओगी। जिस गली से गुजरोगी ये जनता तुम्हें देखकर सर झुकाएगी, तुम्हारे नाम की जय जयकार करेगी और नौकर चाकर तुम्हारी सेवा करेंगे। हमें सोच समझ कर दो मिनट में इसका उत्तर चाहिए बेटी। हाँ क्या बात है? चक्कर में करके देख रही है चंपा? देखो चंपा, मैंने 2.5 लाख रुपया दिया तुम्हें। हाँ, शादी ही करनी है तो मंत्री होते पड़ता है, मैं खुद जिंदा हूँ। और हाँ चंपा, एक बात और मेरी सुन ले। अगर मान लिया राजपाट के लालच में ये बैलाना की शादी किया और इसके संगत में गई, तेरे जितने लड़का पैदा हुई सब बैलान पैदा हुए। ये बात है, अगर ऐसी बात है तो मैं उनके साथ नहीं शादी करूंगी, तुम्हारे साथ शादी करूंगी। अरे मुझे पूर्ण विश्वास है चंपा, तू मेरा साथ शादी करेगी। हाँ। हाँ, साफ साफ ना कर दे, 1 लाख और मेरी तरफ से है। बोलो बेटी, तुमने क्या सोचा और क्या समझा, मुझे उत्तर चाहिए। हे भगवान, मैं तो एक कोठे की नाचने गाने वाली रंडी हूँ, मुझे लोग बेशिया कहते हैं और लोग मेरे पास मेरी कोठे पे आते हैं तो उनको मुजरा सुनाती हूँ तो मुझे पैसा मिलता है। लेकिन महाराज जी ने फैसले में ये सुनाया और कहा कि बेटी आपकी इज्जत को मेरे पागल राजकुमार ने लूटा है तो मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। ओह हो, काश मेरी शादी राजकुमार के साथ हो गई तो मैं एक रंडी नहीं बल्कि महारानी हो जाऊंगी। ये प्रॉपर्टी, ये ताजो तख्त, ये शत जमीन जायदाद मेरी हो जाएगी। ओह हो, महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी, क्या कहना चाहती हो? तो आपके बाप का काट सकते नहीं, शादी कर दो खुशी से मेरे साथ में, और शादी कर दो खुशी से मेरे साथ में, और मेरी किसी मत में जो कुछ विधाता लिखा। मेरी किसी मत में जो कुछ विधाता लिखा, शादी करे तो खुशी से मेरे साथ में, मेरी किसी मत में जो कुछ विधाता लिखा। महाराज मैं शादी करने के लिए राजकुमार के साथ तन मन से तैयार हूँ। कहो महामंत्री उदय प्रताप सिंह, ये मेरा फैसला कैसा रहा? खत्म हो राजन, आखिर राजकुमार राजकुमार पागल ही तो है तो राजकुमार राजन के लड़के और एक महाराज के लड़के की शादी एक कोठे वाली तहायब के साथ किया जाए और उसमें खुशी पूछा जाए तो कोई खुशी नहीं है राजन हमें। खामोश महामंत्री, मैं मानता हूँ वो वेश्या थी लेकिन उसे मैं अपनी बहू स्वीकार कर चुका हूँ। अगर दोबारा वेश्या का नाम जुबान पर आया तो सर कटवा के अलग करवा दूंगा। निकल जाओ राज दरबार से, निकल जाओ। निकल जाऊंगा राज दरबार से राजन, गेट आउट। निकल जाऊंगा। शेरा सिंह जी महाराज, तत्काल हमारे राजकुमार की शादी होने वाली है, बोलो इस शादी में तुम्हें खुशी है या गम है? ओ, तुम लोग ताड़ी बजा रहे थे क्या? देख लूंगा सबको, हाँ अगर दोबारा किसी ने ताड़ी बजाने की कोशिश की तो सोच लो हम ठाकुर जरा दूसरी किस्म। महाराज क्या बात है, हमको बहुत खुशी है महाराज। हम जानते थे कि शेरा सिंह जरूर खुशी मनाएगा। हमको तो खुशी ठिकाना नहीं महाराज। लेकिन महाराज क्या बात है, लेकिन अगर लेकिन ना होता तो महाभारत ना होती। महाराज परंतु मैं मानता
राजकुमार पागल है तो क्या है? तो एक राजकुमार और एक राजकुमार की शादी एक दो टके की औरत कोठे की रहने वाली चंपा वेश्या के साथ मुझे कभी खुशी नहीं हो सकती महाराज, कभी नहीं। चारा सिंह, मैंने तुमसे पहले भी कहा महामंत्री की आवाज नहीं सुना, हम उसे बहु स्वीकार कर चुके हैं, आज से अगर उसे कोठे वाली या वेश्या कहा तो जुबान कटवा लूंगा। तो माफ हो महाराज। और तुमने पढ़ा नहीं होगा शायद, औरत की कोई जात नहीं होती है, वो जिसके साथ ब्याह दी जाती है उसी जात में परिवर्तन हो जाता है। तुम भी राज दरबार से निकल जाओ। निकल जाओ महाराज, निकल जाओ। इलाहाबादी जी महाराज। और फैजाबादी पहले राजकुमार की हथकड़ी खोली जाए और उसके बाद जयमाल का इंतजाम किया जाए, हम शादी राज दरबार में इस जनता के सामने ही रचाऊंगा। महाराज हम अभी जा रहे हैं और जयमाल लेकर आ रहे हैं। जाओ बेटी, ये राजकुमार पैदाइशी पागल नहीं है, जब ये 5 वर्ष का था इसकी माँ का इंतकाल हो गया था, ये उस हादसे को देखकर अपनी याददाश्त खो बैठा है। बेटी अगर तुम चाहोगी तो इसे समझा बुझाकर सही रास्ते पर ले आओगी। तुम भारतवर्ष की नारी हो, भारतवर्ष में एक से एक महान नारियां हुई हैं, जैसे सती सावित्री को ले लीजिए, अपने पति के प्राणों को यमराज से जबरदस्ती खींच लिया था और उसका पति जीवित हो गया। सती अनसुईया को ले लीजिए, अपने पति के तप से ब्रह्मा विष्णु महेश को नन्हे मुन्ने बच्चे बनाकर अपने हाथों से खाना खिलाया था। हाँ। उसी देश की तुम भी रहने वाली हो बेटी, अगर तुम चाहोगी तो अपने पति को सही रास्ते पर ले आओगी और इस तख्त और ताज का वारिस बनाओगी। ठीक, जो मेरा कर्तव्य है मैं उसको जरूर करूंगी। देखो जयमाल आ रहा है, तुम्हारी दोनों की मैं शादी तत्काल राज दरबार में किए देता हूँ। महाराज जी आपके कहने के अनुसार हम जयमाल लेकर आ गए। एक बेटी को दे दो और एक राजकुमार को दे दो और समझा दो कैसे क्या करना है। ठीक है महाराज। अभी ओ भैया स्टैंड अप प्लीज, खड़े हो। आज तुम्हारा शादी तुम्हारा बियाह, तुमका का पूछे के लो, इसको पकड़ो। अरे सुनो ना, मौज अनित की महकत है, गंधात नहीं ना। ए यार ऐसे पकड़ो। अरे एक बात सुन लो, इसको पकड़ो। महाराज ने कहा है कि हम तुमको समझा दें, जैन जौन तना हम कही वही वही तना करो, काहेस की आधे ज्यादा तो तुम हमका पहले से बैलवाए हो, आओ ना बैलवाए। ठीक भैया। हाँ लीजिए आप। हो भाई, लेना भाई। इसको ऐसे पकड़ो, इसको ले जाओ और ऐसे इनके गले में डाल दो, इनके नहीं तो कहा हम आए। ए भगवान, ए भगवान, ये हमका कौन दिन दिखाए, या बैलनवा के पाले पर के हमका लागत हम बैला जा भाई। ओ भैया यार, तुमसे कहा इनके गले में माला डालेगा, तुम अपन डाल ली हो, आपे से लाना लाना पो करी होगा। चलो इनके गले में ऐसे डालो। बोलो शंकर भगवान की जय। पाछो पाछो पाछो। सौभाग्यवती भव, जुग जुग जियो बच्चो, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, हम तुम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम लोग आसमान छुओ। आसमान नहीं, आयुष्मान, यानी तुम्हारी उम्र बढ़े। ओ, वही जो भी है सब ठीक ही है। बेटी आज तुमने हमारे इस तख्त और ताज की लाज रख लिया। बेटी आज हमारा दिल बहुत प्रसन्न है, वरना मैं जिसके सहारे जी रहा था अगर उसकी फांसी कर देता तो उसके बाद तत्काल मेरे भी प्राण निकल जाते। आज मैं तुम्हें एक बहुत कीमती चीज दूंगा जिसका नाम है शाही खजाने का नक्शा। उसको कोई जानता नहीं बेटी, मैं अपने हाथों द्वारा लाऊंगा और तुम्हें दूंगा।